वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, والصلاه والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل صدق الله العظيم। عزیزان گرامی السلام علیکم। हम इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत सरापाए अदल। मैंने जो आयत तिलावत की है इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देते हैं कि लोगों को उनकी अमानतें अदा कर दो, उनके हुकूक अदा कर दो, और ये कि जब तुम लोगों के दरमियान फैसले करो तो अदल के साथ फैसले करो। ये सूरा अन्निसा में, और सूरा अल-हुदूद में, अल-हदीद में हम यूं पढ़ते हैं, लकद अरसलना रुसुलना बिल्बय्यिनात व अंजलना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियकूमन्नासु बिल्किस्त। देखो, हमने अपने रसूल भेजे हैं खुली खुली निशानियां देकर, और उनके साथ हमने किताब भी नाजिल की है और मीज़ान भी, तराजू भी, इसलिए कि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। रसूल अंबिया भेजे खुली खुली निशानियां देकर, अल्लाह का पैगाम देकर, और फिर एक तराजू देकर, इंसाफ का तराजू, और फरमाया मकसद ये है कि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं, एक ऐसा मुआशरा हो, ऐसी सोसाइटी हो जो इंसाफ पर कायम हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी कुरान मजीद में यूँ इरशाद होता है, वो उमिर तो ले आदिला बैनकुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम्हारे दरमियान इंसाफ कायम करूं। तो इस्लाम का एक बुनियादी मकसद अदल इज्तिमाई का क़याम है, और हमने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इब्तिदा अपनी ज़ात से और अपने ख़ानदान से की है। हम ग़ज़वे बद्र में देखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले सफबंदी फरमा रहे थे, और सफबंदी करते हुए आपके हाथ में एक छड़ी थी, उस छड़ी के इशारे से आप लोगों को इशारा कर करके सफ़ें दुरुस्त कर रहे। अभी छड़ी से चूंकि यूं इशारा कर रहे थे तो एक साहब को वो छड़ी लग गई उनके जिस्म पे। इनका नाम सवाद बिन गज़िया है, नंगे बदन थे, बेसरो सामानी का आलम तो था ही, अब वो नंगे बदन और उनको हुजूर चूंकि यूं छड़ी से सफ दुरुस्त कर रहे थे, उनको छड़ी लग गई, चुभ गई। तो हुजूर की खिदमत में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपको अदल कायम करने के लिए भेजा है, आपने देखा कि आपकी छड़ी मुझे लग गई, तो आप अदल कायम करें। आप फरमाया हाँ। उसने कहा आप मुझे बदला दें, जिससे से छड़ी आप मुझे लगी है ऐसे ही मैं अपनी छड़ी आपको चुभूंगा, मैं भी वैसी आपको उतनी। आपने कहा तुम बदला ले लो। सहाबा कराम परेशान, सब लोग परेशान कि ये अजीब आदमी है, हुजूर की क़यादत में जिहाद कर रहा है और इतनी सी बात इससे हुजूर की बर्दाश्त नहीं होती है।
ये कहता है मैं तो बदला लूंगा। तो आपने फरमाया हाँ फिर तुम बदला ले। मैं क़यामत के दिन किसी का बोझ लेके नहीं जाना चाहता कि किसी का कोई हक मेरे जिम्मे हो, किसी का कोई इंतकाम कोई बदला मेरे जिम्मे हो। दुनिया में ही मामला साफ कर दो या तुम अपना बदला ले दो। उसने कहा या रसूलल्लाह आप देखते नहीं हैं कि जब मुझे छड़ी लगी है तो मैं नंगे बदन था, आप जरा अपना कुर्ता उतार दीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों के सामने अपना कुर्ता उतार दिया और उससे कहा जल्दी से अपना बदला ले लो। तो वो शख्स आगे को बढ़ा, उसने छड़ी हाथ में ली, छड़ी को तो उसने फेंक दिया और फर्त मुसर्रत से उसने मोहब्बत से उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को चूम लिया और आपसे मुआनका फरमाया और उसने आंखों में आंसू लाते हुए ये कहा कि या रसूलल्लाह गज़वे पे और जिहाद पे हैं, हो सकता है कि ये ज़िंदगी के आखिरी लम्हात हों, तो मैंने एक हीला करके आपके जिस्म को मस करना चाहा, आपसे मुआनका करना चाहा और आपके जिस्म का बोसा लेना चाहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वाकई तो अपनी जगह पे जो कुछ भी है उसकी अपनी एक मोहब्बत की शीरीनी है, लेकिन ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायद होते हुए, हेड ऑफ द स्टेट होते हुए इस बात की को बिल्कुल माइंड नहीं किया है कि एक आम मुसलमान और जिसको हुजूर ने जान के भी नहीं मारा है लग गया, लेकिन वो बदला लेना चाहता है, बदले में जान के मारना चाहता है, तो आपने उसको गवारा फरमाया और जिस तरह से उसने चाहा, उसने कहा कमीज उतार दी, कमीज उतार दी। ये एक मिजाज है इंसाफ का जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में गुल्हा हुआ था। इसी गज़वे बदर में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को फतह हुई, कुरैश को शिकस्त हुई, लेकिन मुसलमानों के बहुत करीबी अजीज दूसरी तरफ से लड़ रहे थे। हुजूर के दामाद अबुल आस बिन रबी, हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी कैदियों में थे। अब कैदियों की मुश्किलें बांध दी गई और सख्ती से बांध दी गई, क्योंकि हमलावर थे, कोई प्यार और मोहब्बत में तो मक्के से चल के आए नहीं थे, मारने आए थे, कत्ल करने आए थे, तो सख्ती से उनके मुश्किलें बांध दी, कस दी गई। तो रात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो नहीं सके कि किसी वक्त उन्हें अपने चचा की कराहने की आवाज़ आती थी। अब थे तो चलो चचा और एक फितरी मोहब्बत भी थी, तो लेकिन आपने इसका इजहार नहीं फरमाया कि भी मेरा चचा है और बंधा हुआ है और जी और बेचारा कराह रहा है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप बे आराम हैं, आपको नींद नहीं आ रही, क्या माजरा है? तो आपने फरमाया कि मुझे अपने चचा के कराहने की आवाज़ सता रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही, हरचंद कि वो मुझे कत्ल ही करने आया था लेकिन फिर भी मेरा चचा है, उसकी मुश्किल ढीली ना कर दें। तो साहबा ने फौरन सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुश्किलें ज़रा ढीली कर दी। आपने फरमाया कि बात यह है कि अगर इसकी ढीली की है तो फिर सबकी ढीली कर दो। ये अदल के खिलाफ होगा कि एक शख्स जो कि कैदी है उसकी मुश्किलें तो आपने ढीली कर दी हैं और बाकी जो कैदी हैं वो भी तो वैसे ही कैदी हैं, तो सबकी मुश्किलें जो बहुत सख्ती से कसी हुई थी ढीली कर दी ताकि उन्हें तकलीफ न पहुंचे। अजीजा ने कहा भी बात बहुत मामूली सी है लेकिन इससे मिजाज का अंदाजा होता है कि मिजाज के अंदर और तबीयत के अंदर अदल किस हद तक समाया हुआ है कि इससे ज्यादा अदल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और फिर यह देखें कि वो शख्स जो हासिल कायनात है और उस वक्त हेड ऑफ द स्टेट भी है, लेकिन तारीख ये देखने को तरस गई
कि इस शख्स का सर कभी यूं ऊंचा हो, बुलंद हो, किसी शक्ल में यह सरे पुर गुरूर बने। हमेशा जबीन नियाज, हत्ता कि वो वक्त जबकि फातिहाना तौर पे मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन इस कदर झुकी हुई थी, आपकी गर्दन और आपका सर इस कदर झुका हुआ था कि बार बार हदीस में आता है कि आपका माथा ऊंट की कुहान पे लग जाता था। तो ये वो जात है कि एक तरफ से जबीन नियाज है, सरे पुर गुरूर नहीं है, और दूसरी तरफ से यह किसी किस्म का इम्तियाज अपने लिए गवारा नहीं फरमाया, बर्दाश्त नहीं फरमाया। हद यह है कि एक मुअल्लिम की हैसियत से, उस्ताद की हैसियत से, नबी और रसूल की हैसियत से सहाबा में बैठे हुए होते थे, और वाकया यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल चौदहवीं रात की तरह से चमकता हुआ आपका चेहरा मुबारक होता था, नुमाया होते थे सब में, लेकिन इसके बावजूद अदम इम्तियाज की इतनी कैफियत थी कि बाहर से आने वाले को यह पूछना पड़ता था कि मन मिनकुम मुहम्मद, तुम्हें मुहम्मद कौन है, और लोगों को बताना पड़ता था कि ये गोरे चिते लाल रंगे वाले, ये हसीन आदमी जो सबसे जो हसीन आदमी नजर आ रहा है गोरा चिट्टा, ये मुहम्मद है। लोगों को ढूंढना पड़ता था, कोई तख्त ताउस नहीं था, कोई गद्दी नहीं थी, कोई ऊंचा मकाम नहीं था जहां आप बैठे हुए हों और साहबा नीचे बैठे हुए हों और आने वाले को पता चल जाए कि ये अल्लाह का रसूल है, ये अल्लाह का नबी है, ये हेड ऑफ द स्टेट है। जब आप आते थे तो कोई हटो बच्चों की आवाज नहीं आती थी जी, किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं होती थी कि साहबा कराम मजलिस में तशरीफ ले आए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले आए हैं तो साहबा कराम सारे के सारे ताजीमन खड़े हो जाएं। ताजीमन खड़े हो जाना कुछ नाजायज तो नहीं है, लेकिन किसी को इजाजत नहीं थी, और साहबा को मालूम था कि अगर हम खड़े हुए तो ये बात हुजूर को नागवार गुजरेगी, इसलिए बैठे रहते थे, अदबन और हुक्मन बैठे रहते थे। अजीजाने करामी, दुनिया में किसी ऐसे शख्स का हमें नाम बता दो जो हेड ऑफ द स्टेट भी हो और जिसका ये रुतबा भी हो, फातह आजम भी हो, और लोगों को आके पूछना पड़े कि मन मिनको मोहम्मद, तुम्हें मोहम्मद कौन है, तुम्हारा कायद कौन है, रसूलुल्लाह कौन है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदी बिन हातिम ताई को अपने घर लेके गए, घर तशरीफ ले गए तो घर में सोफे सेट नहीं हुआ करते थे उस जमाने में, आपके घर में कोई लंबे चौड़े कालीन भी नहीं थे, एक छोटा सा गद्दा था जिसमें एक शख्स बैठ सकता था, वो आपने अदी बिन हातिम ताई को दे दिया और उसके सामने आप नीचे बैठ गए। अदी बिन हातिम ताई बहुत शोर मचाता रहा कि या रसूलल्लाह, आप ऊपर बैठे इस गद्दे पे और मैं नीचे बैठूंगा, आपने इजाजत नहीं दी और अदी बिन हातिम ताई को उसी गद्दे पे बैठने पे मजबूर किया। वक्त आखिरकार उसने आहिस्ता आहिस्ता सरका के वो दरमियान में कर दिया और नीचे बैठ गया। एक मिजाज है जिसमें तवाजो भी है और अदल भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक चोरी का केस आया, कबीला मखजूम के सरदार की बेटी फातिमा मखजूमिया ने चोरी कर ली, पकड़ी गई, चोरी साबित हो गई, एतराफ भी हो गया। अब सरदार की बेटी थी, चोरी भी उसने किसी भूख और फाके की वजह से तो नहीं की, चोरी भी उसने तफन्नों ने तबाह की वजह से, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ काटने का हुक्म दे दिया। अब तो हैरत हो गई कि अच्छा साहब, सरदार की बेटी का हाथ काटा जाएगा, लोग परेशान हो गए, इसलिए कि रिवाज ये होता था उस जमाने में कि इंसाफ तो निचले लोगों के लिए होता है ना, कानून का निफाज तो आम लोगों के लिए होता है, निचले लोगों के लिए होता है,
یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ سیاسی لوگ، یہ قائد لوگ، یہ وزیر کبیر لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے یہ تو انصاف سے بہت بڑا لوگ ہوتے ہیں، یہ تو قانون کی زد سے ہمیشہ باہر رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی باہر تھے۔ تو لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرچند کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن ایک سردار کا تو لحاظ کرنا چاہیے۔ تو سوچ سوچ کے لوگوں نے حضور کی اس وقت ایک محبوب ترین شخصیت کو، حضرت اسامہ بن زید کو، زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اسامہ ان کے بیٹے تھے، تو یوں اسامہ منہ بولے پوتے بن گئے، اور پیارے بھی بہت لگتے تھے حضور کو۔ تو حضرت اسامہ کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا، اور انہوں نے دبے الفاظ میں سفارش کر دی کہ یا رسول اللہ، یہ عورت فاطمہ جو ہے یہ سردار کی بیٹی ہے، اور آپ ذرا کچھ رحم فرما لیں، کچھ لحاظ فرما لیں، اس لیے کہ اس میں کچھ الجھنیں ہوتی ہیں۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا غضبناک نہیں دیکھا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو آپ پہ ایک خاص قسم کی خاموشی طاری ہو جاتی تھی، اور مد مقابل یہ سمجھ جاتا تھا کہ حضور ناراض ہو گئے۔ وہ فانی نے کہا کہ فانی، میں نے ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ اتنا غضبناک میں نے حضور کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، میں ڈر گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، وہ میں ویسے کہ ویسے پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہم الحدود ایم اللہ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ دیکھو، تم سے پہلے قومیں اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی عام آدمی، کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اس پہ حدیں جاری ہو جاتی تھیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ کے رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وہ بات، اور یہ ہے وہ بنیاد جس پہ کہ انصاف قائم ہوتا ہے۔ ایک اہم بات، اس زمانے میں مظلوم ترین طبقہ یا غلام تھے یا خواتین تھیں۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں خواتین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم ان کو جھڑکتے بھی تھے، ہم ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، ہم ان کو مار پیٹ بھی کرتے تھے، اور کوئی اس بات کو مائنڈ بھی نہیں کرتا۔ کہنے لگے، ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ذرا سا جھڑک دیا تو جواب میں اس نے بھی جھڑک دیا۔ میں نے کہا، ہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ جاؤ اپنی بیٹی حفصہ کو دیکھو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر میں جواب دیتی ہے۔ معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک حق عطا فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ازواج مطہرات بلند لہجے میں گفتگو کرتی تھیں، اور آپ برداشت فرماتے تھے۔ اور آپ فرمایا کہ آج تک کسی نبی نے اپنی کسی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اور فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں، شفیق، مربی، رحم کرنے والا، محبت کرنے والا۔ عزیزان گرامی، یہ انصاف کے تقاضے ہیں۔ اور آخر میں آخری جملہ جو حضور نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا، اس میں مساوات بھی ہے اور عدل بھی ہے، اور فرمایا، ایوہ الناس ان الہکم واحد، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے، وان اباکم واحد، کلکم بنی آدم و آدم من تراب،
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لوگو تمہارا معبود ایک، تمہارا والد ایک، تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے تھا، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عجمی کو عربی پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں، ہاں فضیلت صرف تقویٰ سے ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو متقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.